हरियाणा के कृषि क्षेत्र की जी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में राजनी शाक नाशी सहिष्णु HT बासमती चावल की किस्मों का उपयोग कर 1015 एकड़ में सीधे बोए गए चावल DSR की खेती को सफलतापूर्वक लागू किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित और नोजीविडो सीड्स के प्रमुख बीज ब्रांडों PB 1985 गोल्ड स्टार HT और PB 1979 सुपर स्टार HT के माध्यम से वितरित इस पहल से कृषक समुदाय को उल्लेखनीय लाभ हुआ है। DSR पद्धति के तहत HT बासमती चावल को अपनाने से हरियाणा के किसानों को पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रति एकड़ 1.5 से 2 क्विंटल की वृद्धि के साथ अधिक अनाज की पैदावार हासिल करने में मदद मिली है। इसके अलावा इस पद्धति ने महत्वपूर्ण जल संरक्षण में योगदान दिया और खेती के लिए अवश्य समय को कम किया है, जो कि टिकाऊ कृषि प्रथाओं के साथ संरेखित है। तो वहीं ये पहल हरियाणा सरकार कृषि विभाग नोजीविडो सीड्स लिमिटेड हिसार कृषि विश्वविद्यालय भारत में कृषि कौशल उत्कृष्टता केंद्र और कार्बन निकासी कंपनी वराह AG द्वारा समर्थित एक सहयोगी प्रयास है। HT तकनीक बासमती धान में DSR को तेजी से अपनाने, चुनौतियों को दूर करने और किसानों को उन्नत कृषि समाधान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एक विशेष प्रस्तुति के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर वुंडरू IAS के साथ अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ये बात कही। इस अवसर पर IARI के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह भी उपस्थित रहे। हरियाणा के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में राज्य ने हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती धान किसानों का उपयोग करके 1015 एकड़ में धान की सीधी बिजाई की खेती को सफलतापूर्वक लागू किया है। धान की सीधे बिजाई से किसान को सीधे तौर पर 3 फायदे हैं। एक एकड़ रोपाई में होने वाले 5,000 रुपये खर्च की बचत है। ऐसे कि 1 एकड़ रोपाई में लगने वाले 30-35% पानी की बचत होती है। धान की रोपाई करने की बजाय सीधे बिजाई करने से ग्रीन बायोगैस का उत्सर्जन कर कम होता है। इसके अतिरिक्त धान की सीधी बिजाई करने पर हरियाणा सरकार द्वारा 4,000 रुपये का बोनस प्रदान किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि पिछले सीजन में हरियाणा के किसानों ने सीधे बिजाई कर 191 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी की बचत की, जो कि सराहनीय है। इसी के लिए मैं हरियाणा के किसानों को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में हरियाणा के किसान धान की सीधी बिजाई पद्धति को अपनाकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे।